So this is the second round of Viva for current electricity chapter. Ready? So current electricity is a very important chapter from the point view of boards. क्योंकि ये chapter practical में काम आता है काफ़ी ज़्यादा, meter bridge वगैरह इस chapter से. So my first question is, what is Kirchhoff first law? Kirchhoff first law का नाम क्या है दूसरा? पास करंट लॉ. करंट लॉ. करंट लॉ नहीं, मुंह में कुछ खा रखा है? नो सर. ऐसे भी बोल रहे हो उल्टा? इसको तो द अलजेब्रिक सम ऑफ अ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो. बहुत सुंदर. किसी भी जंक्शन पर अलजेब्रिक सम जो होता है करंट का, वो क्या होता है? जीरो. यस, सम ऑफ इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग. ताली बजानी चाहिए. ताली बजाने वाले हैं अभिषेक सागर. व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ? सर किरचॉफ वोल्टेज लॉ. क्या होता है वोल्टेज लॉ? कहते हैं केवीएल. किरचॉफ इन द क्लोज लूप ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज. नहीं मालूम. द वोल्टेज अराउंड अ लूप द सम ऑफ वोल्टेज. द वोल्टेज अराउंड अ लूप द वोल्टेज अराउंड अ लूप द सम ऑफ वोल्टेज इज द सम. मैंने आपको पहले बताया था, जब आप भूल जाओ आप बोल दो. चलो अभी इनसे पूछते हैं. व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ? द वोल्टेज अराउंड अ लूप लूप इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी. इसको दो एनर्जी कुछ नहीं होता है. वोल्टेज अराउंड ए क्लोज लूप इज इक्वल टू द एनर्जी वोल्टेज. आपने एनर्जी वोल्टेज वाला डेफिनेशन कहाँ से पढ़ी है सर? कौन सी बुक में? जब आपको सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ बताना हो तो उसका सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको. सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में वोल्टेज क्या रहती है? कॉन्स्टेंट. तो आप बोल दो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ इन अ क्लोज लूप द वोल्टेज रिमेंस कॉन्स्टेंट. पहला जो लॉ है वो करंट को कॉन्स्टेंट करता है और सेकंड लॉ वोल्टेज को कॉन्स्टेंट करता है. और इसको लिखेंगे सिग्मा आई आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो पहले लॉ का एक नाम होता है. अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ डिफाइन विच कंजर्वेशन, तो आप क्या आंसर दोगे इसको? पहला लॉ किसका कंजर्वेशन है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. वेरी गुड. तो फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इसको एमसीक्यू बना के आप कंफ्यूज कर सकते हैं. पहला ऑप्शन देंगे कंजर्वेशन ऑफ करंट, दूसरा देंगे कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज, तीसरा देंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चौथा देंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. आंसर क्या है? चार्ज. और बच्चा क्या लिखेगा? करंट, क्योंकि इसमें करंट आता है. तो लेकिन आपको बहकना नहीं है, आपको लिखना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है. सेकंड लॉ किसका कंजर्वेशन है? एक एक बच्चा बताओ किरचॉफ सेकंड लॉ किसको कंजर्व करता है? सर वोल्टेज. वोल्टेज. हाँ जी सर. वोल्टेज. वोल्टेज. चार ऑप्शन दे दो क्या? ईएमएफ. चार ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सर पता नहीं इसका. पता नहीं तुक्का लगा दो, कोई तो सही हो सकता. मोमेंटम ही. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम. अब देखो ऑप्शन देने से आप कितने पागल बन सकते हो. इस क्वेश्चन में तो मोमेंटम का कोई लेना देना ही नहीं है. ये तो मैकेनिकल क्वेश्चन ही नहीं है. मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होता है. तो आप सर्किट को पकड़ के फेंक दिया आपने. सर्किट का मास कितना है? एम. और वेलोसिटी कितनी है? वी. क्योंकि आपको करंट लग गया, आपने एकदम फेंक दिया बोर्ड को. ये है ना, इसमें तो मोमेंटम है ही नहीं भाई. मैंने मोमेंटम बोला, इसने मोमेंटम बोलना शुरू कर दिया. क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है, बहुत पढ़ते हैं हम इसको. इसका सही आंसर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आप बोल तो रहे थे बार बार एनर्जी. अभी जब मैंने कहा था एनर्जी कहाँ से आ गई इसमें, इतनी जल्दी भूल जाते हो. सेकंड लॉ एनर्जी को कंजर्व करता है. वोल्टेज बेसिकली एनर्जी तो होती है. अरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एनर्जी होती है. ठीक है. तो फर्स्ट लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सेकंड लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. पलके नहीं झपकाते आप? सांप हो. सांप पलके नहीं झपकाता, एकदम लगातार देखता रहता है घूर घूर के. किसी महिला को मत देखना ऐसे, केस करवा देगी आपका. आप देखोगे अपनी आदत से. ये वैसी बात है सलाह, क्योंकि आपकी तो हैबिट है ना इस तरह देखना.
20 सेकंड से ज़्यादा देखने पे केस माना जाता है, मतलब क्राइम माना जाता है उसको। अभी सरकार नए नए रूल बना रही है, आप पलकिन चपका रहे ना। ऐसी बात होती ना तो इंडिया की सारी पब्लिक में जेल मिलती। हाँ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है बट कानून यही है, आप पढ़ सकते हो नेट पे। चलो आप बोले इस बहाने से, है ना, मुस्कुराए भी कम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज, इट इज अ मोबिलिटी ऑफ चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत जबरदस्त, ताली बजा दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। इसका सिंबल होता है म्यू, और इसको डिनोट करते हैं म्यू बराबर वीडी अपॉन क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वीडी अपॉन ई, वीडी अपॉन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? पता नहीं सर, इसको दो सुनो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या बात कर रहे हो? नो सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर, एवरेज वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ड्रिफ्ट फ्री इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर? वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी दोनों होती है, इनका क्या अरे वहाँ तक पहुँच गया माइक, माइक क्या स्पीड है। तो देखो दो तरह की सेंसिटिविटी होती है गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर उठा के लाओ वहाँ से, बताता हूँ। लाओ उठा के, जी लिखा होगा उसमें। फास्ट गैल्वेनोमीटर है, तार हटा के लाओ, वहाँ भी रखे हैं नया, उठा लो ना बिना तार हटा। देखो वहाँ से सामने से जिन पे तार नहीं लगा हुआ, जी लिखा है इस पर ले आओ फास्ट। सो दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, ध्यान से देखिए। इसका काम ना तो वोल्टेज नापना होता, ना इसका काम करंट नापना होता, इसका काम डिफ्लेक्शन दिखाना होता है। और ये पर यूनिट वोल्टेज जितने डिफ्लेक्शन दिखाएगा, थीटा अपॉन वी, मान लो 30 डिग्री घुमा और वोल्टेज कितनी लगा रखी 5 वोल्ट, तो इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी है 6। थीटा अपॉन वी इज वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड थीटा अपॉन आई इज करंट सेंसिटिविटी। तो दो सेंसिटिविटी कोर्स में आपके, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज करंट सेंसिटिविटी। व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। समझ में आ रहा है? यूनिट क्या होगी करंट सेंसिटिविटी की? रेडियन पर वोल्ट। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? रेडियन पर करंट, एम्पियर। तो ये है हमारा गैल्वेनोमीटर। और एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन दिखाते हैं बस। ये वोल्टेज नहीं नापता, ना ही ये करंट नापता। क्लियर है? फाइल सबकी चेक है आपकी? कभी आप सोच रहे हो कि मैं प्रैक्टिकल वाले दिन कॉपी चेक करवा लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अनचेक कॉपी के मार्क्स कटते हैं, ये भी आपको पहले बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी कॉइल को, और उसमें आई करंट फ्लो करते हैं, उसका एरिया ए है, तो हाउ मच टॉर्क इट विल एक्सपीरियंस? किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कितना टॉर्क लगता है उसके? फॉर्मूला क्या टॉर्क का? पास टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा। पी साइन थीटा वो डायपोल का टॉर्क होता है, पी साइन थीटा। देखो किस तरह कंफ्यूजन होता है बच्चों, क्या बोला टॉर्क का फॉर्मूला बोलो माइक में? पीई साइन थीटा। पी साइन थीटा बेटा देखो, देखो इस बच्चे के ब्रेन ने टॉर्क को पी साइन थीटा समझ रखा है, जो कि होता है, पर किसका होता है? डायपोल। डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उस पर टॉर्क लगता है पी साइन थीटा। हम बात कर रहे हैं एक क्वाइल रेक्टेंगुलर जिसका एरिया ए है और वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है और उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको बताना कितना टॉर्क लगेगा इस पर। सागर, बिना साइन थीटा, बिना बी आई एन ए, बिल्कुल सही है, बी आई एन ए साइन थीटा। मैंने आपको बताया था मेरी मामी का नाम बिना है और मैं उससे याद रखता हूँ बिना साइन थीटा। तो बी इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, आई इज द करंट इन द कॉइल, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ए इज द एरिया, साइन थीटा इज द एंगल एट विच इट इज गैप्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल विल बी बिना साइन थीटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर?
कॉइल का लोन मीटर जब मैं क्वेश्चन पूछूं माइक मीटर कर लिया ये वाला रेस आगे करो मित्र माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल एंड सो दो अरे अभी तो आंसर दिया इसने बिना साइंटिफिक जब किसी कॉइल को लाइनिंग फिल्म में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है जिससे घूमने लगती है टॉर्क घूमने से भी घूम जाती है सिलेंडर लगा हुआ है घूम जाता है थोड़ा इट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर व्हेन अ कॉइल इज कैप्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड द टॉर्क इज गिवन बाय बिना साइन थीटा क्लियर समझ में आया अब तक सारी चीज समझ में आ गई व्हाट इज बायोट सेवर्ट लॉ कमल ये तो इजी है आपने किया एग्जाम में पूरा कर रखा था आपने तो घबरा रहे हो आप है ना घबराने क्या बात है स्कूल में बैठे हैं अपने इसको दो बच्ची को बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है इसने एकदम पास कर दी थी सोचती भी नहीं दिमाग से डी बी इज इक्वल टू सर ये आपको पता है जो आंसर दे रहा है इस टाइम ये क्यों दे रहा है इसके पास बुक है और इस बुक का से फायदा मिल रहा है एकदम पढ़ लेता है उस चीज़ को बोलता है देखो बुक होने से कितना फायदा होता है ये बुक मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सब सारे चैप्टर के शुरू में मेन मेन टॉपिक दे रखे हैं तो जब किसी वायर में हम करंट भेजते हैं तो उस वायर के चारों तरफ एक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है उस वायर की एक छोटी सी लेंथ लेते हैं डीएल उस लेंथ एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज नोन एज डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कुछ याद आया बच्चों पूरी फिजिक्स में अगर आप कहोगे सबसे आसान चीज़ क्या है सर तो मैं कहूँगा बायोट सेवर्ट लॉ